हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आपका संडे का टेस्ट कैसा गया मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। एंड या अभी नीट का डेट भी आ गया है, नीट 2023 का डेट भी आ गया है। सो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? बट कोई ना, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू वाई आई एम गोइंग टू स्टडी ऑल नाइट। एक्चुअली ये इसलिए भी बताना इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ लोग नहीं समझ पाते या जो लोग मेरा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनको लगता है कि मेरा यही रूटीन है। बट टू बी हॉनेस्ट ऐसा कुछ भी रूटीन नहीं है मेरा, कभी कभी ये होता है। सो एज यू ऑल नो आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस फ्यू डेज। सो आज भी कुछ ऐसा ही था और मैं आफ्टरनून टाइम में सो गई थी, जो कि मैं आफ्टरनून में रेयरली सोती हूँ या हेल्थ इशूज होते हैं तभी। तो मेरे को रिग्रेट फील हो रहा है और मैंने डे टाइम में सो लिया है तो मुझे नाइट में नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। मेरी आदतें मुझे बहुत अच्छे से पता है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि आज मुझे जब तक नींद नहीं आती है तब तक मैं पढ़ूंगी, या फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है तो मैं होल नाइट स्टडी करूंगी। सो बेसिकली ये चैलेंज लिया है मैंने होल नाइट स्टडी करने का। तो समझ लो ये चैलेंज वाला ब्लॉग है कि मैं होल नाइट स्टडी कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। सो लेट्स सी हो पाता है या नहीं। सो आप भी इस तरीके के चैलेंज लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर जब भी आपका पढ़ाई नहीं होता है या फिर पढ़ाई ना करने पे रिग्रेट होता है तो चैलेंज लेकर पढ़ाई करने से थोड़ा सा जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई हो जाती है कि भाई हमको रिग्रेट हो रहा है, हमने इतना टाइम से पढ़ाई नहीं करा है तो हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और जब चैलेंज लेते हैं ना तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि नहीं अब तो ये पूरा करना ही करना है। बट मेक श्योर कि इससे आपकी रूटीन ख़राब ना हो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई रूटीन, सो मैं अब मैनेज कर लेती हूँ, चाहे मैं दिन में पढ़ूँ चाहे मैं रात में पढ़ूँ मैं मैनेज कर लेती हूँ। आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ ब्रेक आई एम गोइंग टू डू अनदर लेक्चर ऑफ IUPSC। और इस लेक्चर में पंकज सर ने कुछ बातें बताई हैं जो वो बताते रहते हैं, सो आई थिंक हम सबको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। और लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं ये मिल्क केक का आनंद लेते हुए, हाय रे मेरी NCERT, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अटेंड बायोलॉजी लेक्चर। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि मैंने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बट सारे चैप्टर्स के नहीं बनाए हैं बिकॉज अभी तो करंट सिलेबस में ही मैं बिज़ी हूँ। सो आई एम श्योर कि आप लोग भी बिज़ी होंगे करंट सिलेबस में, बट नाउ आई हैव ऑप्शन कि शॉर्ट नोट्स बनाने में जो मेरा टाइम जा रहा था या फिर जो आगे जाएगा उसको मैं सेव कर सकूँ, जो करंट चल रहा है उस पर मैं फोकस कर सकूँ एंड टेस्ट सीरीज PYQ उस पर ज़्यादा फोकस कर सकूँ। एंड ऑप्शन ये है कि मेरे पास ये हैंडबुक है एंड दिस इज़ फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। ये हैंडबुक तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड यू नो व्हाट, इसमें कंप्लीट NCERT आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेगी जिससे आपकी बेटर और क्विक रिविज़न हो पाएगी। सो इस हैंडबुक को आप शॉर्ट नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड इंसर्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ पास्ट नीट क्वेश्चंस इन द वन लाइनर थियरी। आप में से काफ़ी लोग में से ये बोलते हैं कि आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दो बिकॉज यू ऑल नो कि शॉर्ट नोट्स बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे रिवीजन के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये हैंडबुक्स शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है तो आपको किसी के भी शॉर्ट नोट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट, इस बुक में आपको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिलेंगे जिससे आप क्वेश्चंस को फास्टर वे में सॉल्व कर पाओगे और अपने टाइम को भी सेव कर पाओगे। एंड इट कंटेंस लॉट ऑफ डायग्राम्स टू लर्न एंड रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स फास्टर। एंड ये हैंडबुक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर नीट CBSE क्लास 11 12th स्टूडेंट्स, ऑल्सो यूजफुल फॉर अदर स्टेट बोर्ड्स। एंड दीज हैंडबुक्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्कोर बाई 10-15%। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। सो जब भी आप टेस्ट देते होंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स आते हैं और फिर वो चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाते हैं और मतलब कितना भी रिवाइज कर लें कुछ ना कुछ बच ही जाता है, तो शॉर्ट नोट्स लोग किस लिए बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं ना कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम रिवाइज कर पाएँ और अच्छे से रिवाइज कर पाएँ ताकि हम टेस्ट में एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सो इस हैंडबुक से आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं जिससे स्कोर बूस्ट हो है। सो इस हैंडबुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। एंड या शॉर्ट नोट्स बनाने की टेंशन से अब थोड़ा फ्री हो जाओ। और अभी ना मुझे लगी है बहुत तेज वाली भूख तो मैं जा रही हूँ मैगी बनाने। ये है आटा नूडल्स,
सो मैंने मैगी इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यू नो कि वो मैदे वाली चीज़ होती है और हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है। सो मैंने ये आटा नूडल्स ला के रखा है जो कि खाने में भी अच्छा हो और हेल्थ के लिए भी ख़राब ना हो। सो या चलते ये बनाते हैं। अभी पानी भी ख़त्म है तो चलते हैं पहले पानी लेने। एक पैकेट में चार चार मसाले, तो मुझे कितना डालना चाहिए? आई थिंक मुझे एक डालना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो बस ऐसे थोड़ा सा बस काम चलाऊँ मैं नूडल्स बना सकती हूँ बस, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मेरे पास है नहीं। ये पड़ गया मसाले और ये पड़ जाएगा हमारा नूडल्स। ये ज़्यादा ना हो जाए, आई थिंक इतना सही होगा। ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है नहीं, बट इसके मसाले में एक अच्छी चीज़ है कि इसमें छोटे छोटे जो गाजर होते हैं और पीस 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 मटर 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 पीस जो भी होते हैं वो उसमें मिक्स करे हुए हैं इसमें, तो आई थिंक उससे ये अच्छा थोड़ा बन सकता है। बाय गॉड, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे नूडल्स बना रही हूँ। बस पानी, इसके मसाले और नूडल्स और कुछ नहीं, नमक भी नहीं। एक्चुअली नमक जो इसके इसके जो मसाले होते हैं उसमें नमक रहता है, सो आई डोंट थिंक कि नमक की ज़रूरत है। थोड़ा कम भी रहेगा तो भी मैं खा लूँगी, वैसे ज़्यादा नमक नुकसान ही करता है। ठीक है चलो, नूडल्स बन रहा है, तब तक इसको मैं समेट लूँ क्योंकि जो रहता है मैंने फैलाया है, जो गंदगी मैंने फैलाई है उसको तो मुझे समेटना ही पड़ेगा। तो पहले इसको रखते हैं। और ये बन चुका है हमारा आटा नूडल्स, मतलब ये यार मैगी 2 मिनट में बनती है, उससे भी जल्दी मैंने इसको बनाया है। सो चलो इसको खा के मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। 1 मिनट नहीं, आप लोग सोचोगे पता नहीं कैसा मैगी बनाया था विदाउट एनी इंग्रेडिएंट्स। तो चलो टेस्ट करके बताती हूँ मैं। वेट 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 वेट, पहले इसको ठंडा कर लूँ यार, ये बहुत गर्म है। आह मस्त बना है, मस्त मस्त बनाया। नहीं आपके खाने लायक नहीं है, आपको टेस्ट नहीं आएगा, बस मुझे ही टेस्ट आएगा। सो चलो मैगी भी ख़त्म हो गई और ब्रेक टाइम भी ख़त्म हो गया, और अभी मैं जा रही हूँ आई यू पी ए सी रिवाइज़ करने, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम लेक्चर कर रहे हैं और कुछ होता है, हाँ जो भी कर रहे हैं उसको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। ठीक है तो पहले रिवाइज़ करते हैं। और ये है हमारे पोर्टेबल भैया, बड़े गंदे हैं यार ये तो। पर यार ये गंदगी आई कहाँ से? देखो ऐसे नहीं पता चल रही है, ऐसे कम पता चल रही है, बट ऐसे ज़्यादा पता चल रही है। किसी को दिख रहा है? अगर किसी को दिख रहा होगा तो बताना, कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा है? मुझे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। ऐसे नहीं पता चल रही है और बट ऐसे कुछ ज़्यादा पता चल रहा है, ये कौन सा लॉजिक है पता नहीं। लेकिन तुम बड़े गंदे हो यार, पहले तुमको साफ़ करना पड़ेगा, रुको। सो अभी बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन की, और करंट सिचुएशन ये है कि नीट 2023 का डेट आ चुका है, जिससे बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से पूछा था कि अभी नीट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, सो आपको कैसा फील हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया था, मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये सब चीज़ें शेयर किया था। सो या बस इसी से पता है। सो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक हो रहे हो मत हो, हाँ होता है, आई अग्री कि जब ऐसी चीज़ें पता चलती हैं तो थोड़ा टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए होता है, तो बस ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सबसे आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होता है वो जब भी ये डेट आती है, एग्ज़ाम डेट आता है, पेपर आता है, तो सबके साथ होता है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सबके साथ होता है होता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलो, जितना भी टाइम बचा है उसको अच्छा बनाओ और जितने भी सिलेबस बचे हैं उसको कवर करने का ट्राई करो जल्दी से जल्दी, जितना भी बैकलॉग है उसको कम्प्लीट करने का ट्राई करो जल्दी से जल्दी। सो या जो भी चीज़ें हैं वो आपके हाथ में हैं अभी, तो बस लग जाओ और कहीं और ध्यान मत दो, बस मैं इतना ही बोलूँगी। ऑल द बेस्ट एंड या पढ़ाई करते रहो। एंड या IUPSC रिवाइज़ करने के बाद मैं जाऊँगी, एक ब्लॉग है उसको वॉइस ओवर करने, एडिटिंग वगैरह तो नहीं करना रहता है मुझे लेकिन वॉइस ओवर करना रहता है, तो मैं वॉइस ओवर करूँगी, बट पहले इसको मैं रिवाइज़ कर लूँ। IUPSC बड़ा चैप्टर है तो इसमें टाइम लगेगा, सो आई थिंक सुबह तो हो ही जाएगी। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।
टिल देन आप लोग अपना अपना ख्याल रखो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। इस टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, कोल्ड, जुकाम, खांसी, पता नहीं क्या क्या, फलाना ढिमकाना, तो बस उस चीज़ से बच के रहो और अपने पढ़ाई पे फोकस करो। और थैंक यू सो मच गाइस अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे मोटिवेट करने के लिए। एंड अभी 6:41 भी हो चुका है मॉर्निंग का, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।